देवभूमि प्रणाम। देवभूमि मिरर रेडियो से मैं अंजना ठाकुर हाजिर हूं ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया लोगों को, अगले दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। बिलासपुर के डीसी ऑफिस में लगी आग, हिमस्वान कक्ष पूरी तरह राख। पाकिस्तान आर्मी का एक प्लेन रावलपिंडी में आम लोगों के घरों के ऊपर क्रैश हो गया। जयराम कैबिनेट की बैठक 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। मनाली में वॉल्वो बस में लगी आग, विदेशी महिला से दोस्ती पड़ी महंगी, हजारों रुपए ठगे। अब समाचार विस्तार से। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया लोगों को, अगले दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। नदी और नालों के पास ना जाने की सलाह दी है। प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दो दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बिलासपुर के डीसी ऑफिस में लगी आग, हिमस्वान कक्ष पूरी तरह राख, करोड़ों रुपए का नुकसान। इससे जिला मुख्यालय से जुड़े सभी कार्यालयों का इंटरनेट सेवा बाधित हो रही है। परिणाम स्वरूप सारा ऑनलाइन काम ठप हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम कैबिनेट की बैठक 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। मनाली में वॉल्वो बस में लगी आग, पर्यटक स्थल 15 मील में सड़क किनारे खड़ी वॉल्वो बस में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना अग्निशमन विभाग मनाली को दी। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। विदेशी महिला से दोस्ती पड़ी महंगी, हजारों रुपए ठगे। बैंक फ्रॉड करने वालों ने सोशल मीडिया को नया ठिकाना बना लिया है। अब लोग ओटीपी से हो रही ठगी से जागरूक हुए हैं तो अब फेसबुक से ठगी शुरू हो गई है। धर्मशाला में धोखाधड़ी का ऐसा मामला सामने आया है। धर्मशाला में एक टैक्सी ड्राइवर को फेसबुक पर बनी विदेशी महिला दोस्त ने 40,000 रुपए की चपत लगा दी। हजारों रुपए ट्रांसफर करवाने के बाद महिला ने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया है। धर्मशाला पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देवभूमि प्रणाम।